चौथा हिस्सेदार? अब ये चौथा हिस्सेदार कहाँ से आ गया, कौन आ गया? रबिश, मुझे यकीन नहीं होता। अरे बकवास कर रहा है वो प्रभाकर। इस प्रॉपर्टी का हमसे ज्यादा जायज हकदार कौन हो सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो पापा को वसीयत बनाने की क्या जरूरत थी, वो भी आत्महत्या करने के कुछ देर पहले। कोई वसीयत नहीं है, वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, खेल। ठीक है, 3 दिन इंतजार करना है ना, कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन आता है हमारा हिस्सेदार बनने। प्रभाकर ऐसी हिमाकत नहीं करेगा कि इतनी बड़ी बात वो बिना किसी ठोस वजह के कह दे। अगर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे डैड ने वसीयत बनाई थी, इसका मतलब है तुम्हारे डैड ने वसीयत बनाई थी। और अगर वो कह रहे हैं कि इस जायदाद का चौथा हिस्सेदार है, तो कहीं ना कहीं वो चौथा हिस्सेदार जरूर है। बात फिर वहीं आ जाती है, उस रात इस घर में ऐसा क्या हुआ जिससे गुस्सा होकर पापा ऑफिस गए, उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, प्रभाकर को फोन किया और फिर अपनी जान ले ली। ये बार बार हम उस वजह को क्यों ढूंढने लगते हैं? पापा को उठपटांग फैसले लेने के लिए कभी किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे भी इस समय हमें उस चौथे हिस्सेदार के बारे में सोचना चाहिए। कौन हो सकता है वो? क्यों सोच सोच के टेंशन ले रहे हो? जो भी है कल सामने आ जाएगा। वो कौन है, कहां से आया है और किस वजह से उसे इस जायदाद में चौथा हिस्सेदार बनाया गया है, हम कुछ भी तो नहीं जानते। जहां तक मैं जानता हूं, पापा का कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जिससे पापा कुछ देना चाहते थे। ये चौथा हिस्सेदार आया कहां से, कहां रहता है ये, और इसका हमारे पापा के साथ रिश्ता क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा कि चौथा हिस्सेदार है कौन और तुम्हारे पापा इस पर अचानक इतने मेहरबान क्यों हो गए। चलो देखते हैं इस चौथे हिस्सेदार में ऐसी क्या खास बात है। सुनिए सुनिए, इतनी रात को फोन कौन हो सकता है? अरे जरूर आपके ऑफिस से होगा, जब भी मर्जी फोन कर देते। अरे तुम भी बस। हेलो, कितना बज रहा है आपकी घड़ी में? 12। अरे ये कोई वक्त है किसी शरीफ घर में फोन करने का? सब लोग सो जाते हैं इस वक्त। ये वक्त सोने का नहीं है, जागने का है और सबको जगाने का है। भाई ये क्या तरीका है विश करने का, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। जैसे तुम्हें बात पक्का याद था, है फोन आया तो सबसे पहले यही अड़बड़ा ही थी। मैं तो असल में एक्चुअली मैं मेरे ध्यान से ही उतर गया था जरा। हाँ, इसलिए हम सब ने इसी बात का ध्यान रखा। हैप्पी एनिवर्सरी मामा, और आप दोनों हमेशा इसी तरह से खुश और मुस्कुराते हुए रहे। थैंक यू। और कल हमारे घर में एक हंगामा होगा, हंगामा। एक बहुत ही शानदार पार्टी, एक बहुत ही शानदार ढंग से। अरे बाबा, कल की तैयारी में आज रात भर जागरण करने का इरादा है क्या? और तुम्हें ऑफिस जाना है यश? मामा जाना तो है, पर तो जाके सो जाओ ना तुम लोग। मामा लेकिन बिल्कुल चुप रहोगी, 2 दिन बाद एग्जाम्स है ना। ओह नो मामा, लेकिन आप फिक्र क्यों कर रही है, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ रिविजन बाकी है। और फिर मैं पापा की बेटी हूँ ना, एक बार किताब खोलूंगी तो सारी बातें दिमाग में याद आ जाएगी। चल पापा की चिमटी। सुबह नींद नहीं खुलेगी तेरी, जाओ सब 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 जाओ। मामा कह रहे हैं निकालो। नहीं मामा, मैं यही सो जाऊं। नो प्लीज, चलो अपने कमरे में चले जाओ। नो, चलो अब जल्दी सबको जाने दो, मैं यही सो जाऊंगा। चलो 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 चलो। Happy anniversary! Happy anniversary! कल रात से आप कितनी बार विश कर चुके हैं मुझे? और आपने एक बार भी नहीं किया? अपना अपना स्टाइल है। वैसे इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, वैसे ही जैसे शादी के दिन लग रही थी। भगवान के सामने तो कुछ शर्म कीजिए। अरे इनसे क्या शर्माना, ये तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। क्यों भगवान? अगर आप लोगों का रोमांस
मेरा मतलब है बातें खत्म हो गई हो तो आरती कर ले, लेकिन टाइम लगेगा तो मुझे बता दीजिए। मैं वो सिया मैंने कहा कुछ गलत कहा, देखिए ना हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? चलो आरती करने आओ। आओ आओ चलो चलो। हैप्पी एनिवर्सरी ये आप दोनों के लिए। कितने सुंदर फूल हैं, वाओ। एक्चुअली मामा जो बुके मुझे पसंद आया था वो थोड़ा महंगा था, इसलिए मैंने सोचा। अरे बेटा प्यार से दी हुई कोई भी चीज की कीमत होती है भला, और इसमें तो तुम्हारे प्यार के साथ मेहनत भी जुड़ी हुई है। हाँ, और हमारे घर की क्यारियों के फूलों की महक से ज्यादा अच्छी महक और किस फूल में होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लाइए माँ, मैं इन्हें फ्लावर वाज में सजाते आपके कमरे में लग देती हूँ। अच्छा नंदिनी जरा पानी में नमक डाल देना, फूल ताजा रहेंगे। अच्छा। बड़ी मेहनत से बनाया ना मेरे बेटे ने। जी हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। अरे बेटा थैंक यू। इसको खोल के तो देखिए इसमें है क्या। कितनी सुंदर साड़ी है आदित्य, बहुत महंगी होगी ना। देख बेटा जब भी तू खरीदारी पे उतारू होता है ना कुछ भी नहीं सोचता, बहुत खुला हाथ है तेरा। क्या माँ? क्या हुआ पापा, आपको घड़ी पसंद नहीं आई? नहीं बेटे, घड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है पापा? इधर आना। बेटे तुमने ये घड़ी उधार के पैसों से ली है ना? हाँ पापा वो उधार। बेटे तुम्हारे सेंटीमेंट्स की कद्र है मुझे, मैं जानता हूं कि तुम हम दोनों को एक अच्छी सी गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन बेटे पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। हाँ पापा, लेकिन जब मैंने ये घड़ी दुकान में देखी तो मुझे आपके लिए बहुत पसंद आ गई, और मैं जानता था कि आपकी वो पुरानी वाली घड़ी बार बार बंद हो जाती है, इसलिए मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन अब जल्द से जल्द दुकानदार को पैसे लौटा देने चाहिए। मैं आज ही बैंक से। नहीं पापा, दिस इज माई गिफ्ट, बट आई प्रॉमिस यू पापा मैं 2-3 दिनों में उस दुकानदार के पैसे लौटा दूंगा। आई प्रॉमिस यू। क्या खिचड़ी पक रही है? अरे जरा सुनिए तो। हाँ। आपकी बहुरानी क्या कह रही है? अरे क्या कह रही है भाई, क्या बात है भाई? आज मैंने बिरयानी बनाई है। हाँ? भक्ति और माती फेवरेट। माँ तो हमेशा मुझे कहती रहती है कि मुझे बिरयानी बनानी आती नहीं, लेकिन पापा आप ही खातर बताइए ये कैसी बनी है। भाई कैसी भी बनी हो पर सास सास होती है बहू बहू। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो फिर खातर बताइए ना कैसी बनी है। क्या हुआ, आप तो पसंद नहीं आई? मुझे तो लगा थी। अरे बेटे अच्छी बनी है, लेकिन बेटे तूने दिन गलत चुना। आज के दिन अगर मैं तेरी सास का दिल दुखाऊं ना तो अच्छी बनी है। मैं भी चक के देख रहा हूँ। नंदिनी बेटा मान गई तुझे, आज तो तूने अपनी सास को भी पीछे छोड़ दिया। क्या बात है बेटे, कल रात को तो तू बड़ा शोर मचा रही थी, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देना हमें? देखिए ना पापा, संजय के बच्चे को हमेशा लेट आता है, आने दीजिए उसे, मैं दिखाऊंगी। आ गया। स्टूपिड इडियट, आज के दिन में कोई लेट आता है तुम्हारी वजह से मेरा गिफ्ट लास्ट जा रहा है। ये तुम्हारी लड़की है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह थानेदार है, सवाल पे सवाल किए जा रही है। आओ बेटे आओ। सॉरी अंकल पट्टे पर तो सुबह हो गई, अभी जाकर नींद खुली है इसलिए। हाँ ठीक है ठीक है, गिफ्ट दे दो। अरे ये सीक्वेंस तो बढ़ती जा रही है, कुछ खासी गिफ्ट हो कि क्यों संजय? एक्चुअली मामा आप खास है या नहीं? ये क्या बात हुई बेटे,
हाँ वो क्या है ना कि बहुत दिनों से संजय और मैं हमारी पॉकेट मनी सेव कर रहे हैं और हम दोनों ने मिलके आप दोनों के लिए ये गिफ्ट लिया है। देखिए ना, रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक है, कैंडल लाइट डिनर, लाइव म्यूजिक और सिर्फ आप दोनों। दैट मींस इट्स अ डे। देख की साड़ी कैसी लगेगी। माँ क्या आप भी बाबा आदम के जमाने की साड़ी पहन ले। क्या मैंने, मैं आपको चूज करके देती हूँ। माँ ये कलर बहुत अच्छी लगेगी। ये लड़की भी इतना समय ले रही है साड़ी चूज करने में, ऐसा लगता है कि जैसे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। नंदिनी भाभी वो बहुत अच्छी, इसी भी अच्छी लगेगी। अगर साली अप्रूव हो गई हो तो माँ तो बता दे, बहुत परेशान हो रही है ना। भाभी एक्चुअली मैं ऐसे ही देख रही थी। पता है ये साड़ी मैंने क्यों चूज की? क्योंकि इसके साथ मामा के पास मैचिंग ज्वेलरी है इसलिए। ओ अच्छा, अब पता चल गया ना। मामा आप यही साड़ी पहनिए। एक्चुअली ये कलर है ना, ये सिया पल बहुत हिलता है और माँ आप पल भी। ये तुम दोनों किस कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। मामा जाने दीजिए, मैं भाभी भी ना। बस आप बस यही साड़ी पहनिए, ये साड़ी पहन के आप बिल्कुल अप्सरा लगे। माँ हूँ तेरी सहेली नहीं, और मेरे पास तो इसका ब्लाउज भी नहीं है। इतने दिनों से पड़ी थी, तूने इस पे फॉल भी नहीं लगाया। अरे माँ फॉल तो मैं एक घंटे में लगा दूंगी, और ब्लाउज है ना मेरे पास, लेकिन स्लीवलेस है। इस बुढ़ापे में मैं स्लीवलेस पहनूंगी? चलो बदमाशो, मैं मारूंगी तुम लोगों को। क्या हुआ, पहन लीजिए ना स्लीवलेस। अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनेंगे तो पापा आपको देखते रहेंगे। अरे माँ लड़की तो पट गई, अभी लड़के को सजाना और सवारना है। 310 पापा आप तो कसम से आप तो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहे पापा। बिल्कुल अंकल, हमने तो हमारा काम कर दिया। क्या अब देखो कि लेडीज ने क्या किया। देख लो। लगता है तुम्हारे पापा को मेरा गेटअप पसंद नहीं आया। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं तू अब भी पापा आपका कुरियर। मेरा कुरियर? ये तुम्हारी सरप्राइज गिफ्ट तो नहीं है ना? नहीं पापा, पापा इसे छोड़िए ना, आप चले जाइए, लेट हो जाओगे। अरे नहीं बेटे, इस वक्त किसका कुरियर आया, देखना पड़ेगा। किसकी चिट्ठी है? वही मैं देख रहा हूँ। अरे एयर टिकट्स और ये तुम्हारा तो कोई जोक नहीं है ना पापा? अब पढ़िए भी, देखिए ना क्या लिखा है। पकड़ो एक मिनट। यह मिस्टर प्रधान, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। नाथ साहब से कई बार आपकी तारीफ सुन चुका हूँ। आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि नाथ साहब ने खुदकुशी कर ली है।
और उन्होंने आपके नाम अपनी वसीयत में कुछ छोड़ा है। कल यह वसीयत खोली जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार के साथ मुंबई आ जाएं जल्द से जल्द। एयर टिकट्स में साथ में भेज रहा हूँ। आपका प्रभाकर, कंपनी सेक्रेटरी, नाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इस जायदाद के चार हिस्से होंगे। शरफ सानी, फिजूल की बातें मत करो। हम ये जानते हैं कि तुम्हारे पापा ने किसी चौथे हिस्सेदार का जिक्र किया है प्रॉपर्टी के पेपर्स में, लेकिन उन्होंने उसके लिए क्या छोड़ा है ये हम नहीं जानते। कुछ तो छोड़ा ही होगा। एनीवेज, मैं सिर्फ इतना जानने में इंटरेस्टेड हूं कि मुझे कितना मिलने वाला है और कब मिलेगा, ताकि मैं अपना हिस्सा लूं और यहां से। एक रास्ता है। कैसा रास्ता? ना विल खुलेगी और ना ही कोई चौथा हिस्सेदार सामने आएगा। मतलब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। पापा ने विल बनाई है ये बात कितने लोग जानते हैं? मैं, तुम, सनी और छोटी माँ और प्रभाकर, जो ये जानता है कि पापा ने विल बनाई है और ये भी जानता है कि इस प्रॉपर्टी का कोई चौथा हिस्सेदार भी है। अब अगर कल विल खुलने से पहले इस प्रभाकर का कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाए तो। एक्सीडेंट? छोटी माँ, आप तो जानती हैं कि मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक कितना बढ़ गया है कि एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं, है ना आतिश? मुंबई में हमारा है ही कौन जो हमें बुलाएगा? जरूर किसी ने मजाक किया होगा हमारे साथ। पर माँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तो ही हमें सचमुच मुंबई बुलाना चाह रहा हो। वैसे माँ, मैं तो आज तक नागपुर से बाहर नहीं गई। यश कभी लेते ही नहीं जाता मुझे। क्यों झूठ बोल रही है? अरे पिछले महीने तो गांव लेके गया था तुझे। गांव नहीं माँ, मैं तो किसी बल्ले से शहर की बात कर रही हूँ, मुंबई जैसा शहर। वैसे माँ, आप तभी गए हो मुंबई? हाँ, एक बार गई थी इनके साथ, लेकिन दो दिन में वापस चले आए। क्यों? बड़ा अजीब सा शहर है, इतना बड़ा कि खत्म ही नहीं होता। बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। किसी से रास्ता पूछो तो कहते हैं सीधे चले जाइए। इतनी भीड़ भाड़, शोर शराबा, मुझे तो बस अपना नागपुर पसंद है। छोटा सा शहर, सुकून की जिंदगी। आप तुझ भी तो हो माँ, मुंबई नाम में ही तुझ ऐसा है। मेरी तो बचपन से ही इच्छा थी कि मैं मुंबई घूमने जाऊँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी सलके, हीलो हीलोइन। माँ, त्या तो ही चमत्कार नहीं हो सकता कि एक बार हम सब मुंबई जाए। जा, जाके फोन दे। हो सकता है कोई चमत्कार हो गया हो या फिर मुंबई से बुलावा आया हो। हेलो। हेलो, प्रधान साहब हैं घर पे? जी नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मुंबई से प्रभाकर बोल रहा हूँ। मुंबई से प्रभाकर? भाभी, मुझे दीजिए। हेलो। हाँ प्रधान साहब। नहीं, प्रधान साहब तो इस वक्त घर पे नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हैं? जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जो टिकटें आपको भेजी थी वो आपको मिल गई है? जी हाँ, हमें टिकट्स तो मिल गई है, पर आप हैं कौन और हमें मुंबई क्यों जाना है? जी वो नाथ साहब ने आपके लिए जो। नाथ साहब? कौन नाथ साहब? आप नाथ साहब को नहीं जानते? नाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। नाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक? जी हाँ, नाथ साहब जो 10 दिन आपके साथ रहे थे। हेलो, हेलो, क्या हुआ? पता नहीं क्या कह रहे थे, नाथ साहब जो 10 दिन आपके साथ।